हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। सो मार्केट फाइनली आज डाउन क्लोजिंग आई है। क्या लग रहा है मार्केट में? क्या यहाँ से करेक्शन आएगी और या फिर बस एक माइनर करेक्शन है, वापस तेजी आएगी? क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी कपल ऑफ इंडेक्स स्टॉक्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, एंड मेक दिस चैनल वायरल। फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे चार्ट्स देता हूँ मैं। ये मेरा हैंडल है @trendonyxhd, जहाँ पे मैं बहुत से चार्ट्स और अपडेट्स लेवल्स देता हूँ। और हाईलाइट सेक्शन में अगर आप आओगे ट्विटर पे तो आपको फर्स्ट ट्वीट में मिलेगा आपको फ्री ई बुक है, इलेट वेव का कंप्लीट बुक मिलेगा इलेट वेव। और सेकेंड लिंक में आपको मिलेगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सेकंड ट्वीट। सो यू कैन ज्वाइन हियर। ओके, लेट्स सी मार्केट क्या लग रहा है। सो जो अपना वेव काउंट है फ्रॉम मार्च 23, दिस इज वेव 1 एंड 2, एंड नाउ वी आर इन थर्ड। यस, दैट इज माय प्रेफर्ड वेव काउंट। वो मेरा पहले से वही वेव काउंट था, 1 2। और फिर पहले हम ले रहे थे कि 1 2 एंड 1 2, और अभी मैं ले रहा हूँ कि 1 2 एंड प्रोबेबली दिस इज थर्ड एंडिंग ओवर हियर। I mean, instead of first of third, I'm taking this as third wave, and then we should go down. तो okay, तो यहाँ क्या कोई alternate wave है कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ये third है, ये fourth है, fifth में ऊपर है, ऐसा कुछ alternate scenario है? नहीं, मेरे लिए कोई alternate scenario नहीं है। I'm now saying we are ending third, we have ended third, हम लोग end कर चुके third, और fourth wave correction आएगा, बहुत फास्ट आएगा, डीप आएगा, और यहाँ से करेक्शन ही आए, यहाँ से अभी ऊपर नहीं जाए। कोई तो बोल रहा था कि बोल दो ट्विटर पे, किसने लिखा था कि बोल दो कि ओनली हैज टू गो डाउन। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सिर्फ नीचे जाना है, नीचे जाना है, और नीचे ही जाना है। कोई मायका लाल है जो ऊपर लेके जाए? नीचे ही जाना है। दिस इज माय व्यू। एंड इतना फास्ट करेक्शन आएगा ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है मार्केट में। तो बहुत फास्ट करेक्शन आएगा, आपको समझेगा नहीं क्या चल रहा है, आएगा। और ये 21,300 से 21,100 तक का लेवल लेके आएगा मार्केट, और बहुत फास्ट आएगा, बहुत फास्ट, मई में ही आएगा ये लेवल, बहुत फास्ट आने वाला है ये करेक्शन। समझेगा ही नहीं कि कैसे आगे। यस, आई एम सेइंग दिस, नो इफ नो बट, देयर इज नो इफ नो बट, कि अगर ये हुआ अगर वो हुआ, कुछ नहीं, यही होगा, यहाँ से करेक्शन ही आएगा। देर इज नो अदर अल्टरनेट वेव काउंट के थर्ड फोर्थ ये ए बी, नहीं कुछ नहीं। फिफ्थ, यहाँ पे थर्ड खत्म हुआ, फोर्थ वेव का करेक्शन आना है, आएगा, और फास्ट ही आएगा। दिस इज माई व्यू फ्रॉम हियर, एंड आई विल नॉट गोइंग टू चेंज माई व्यू। लेट सी क्या होता है मार्केट, वी विल सी क्या होता है मार्केट में। और ये कॉन्फिडेंस ना इलियट वेव से ही आता है, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इलियट वेव से ही आएगा। तो आपको इलियट वेव सीखना है, then you can definitely learn it from the free book. Free में आप पूरा complete book पढ़ लो। देखो ये book पे, ये link पे register करोगे तो आप Elite Wave International की website पे आओगे। इसका link मैंने मेरे website पे भी share किया, एक free course भी share किया है हमारे website पे जो मैंने design किया है, free course। और free book पूरा पढ़ लो Elite Wave International की website पे, आप यहाँ पे ये link से पूरा book पढ़ सकते हो, जिसमें आपको पूरा complete knowledge मिलेगा Elite Wave का, Elite Wave Fibonacci और मार्केट बिहेवियर कैसे रहता है, पर्सनालिटी, सारे पैटर्न्स, एवरीथिंग। इट्स अ वंडरफुल बुक, मैंने यही से सीखा है। हाँ, बट ये बुक से आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि कैसे मार्केट में वेव फॉर्म होते हैं, कैसे मार्केट का साइकिल चलता है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है। मेन देखो, आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो एंट्री पॉइंट चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, एग्जिट पॉइंट चाहिए, राइट? तो वो तो बुक ने नहीं सिखाया। फिर वेव्स में भी वेव को वैलिडेट कैसे करना है, क्योंकि मीन्स व्यू गलत गया तो उसको इनवैलिड कहाँ पे करना है, वैलिडेट कैसे करना है, ये सब चीज। और फिर अल्टरनेट वेव काउंट, अगर उसको कैसे ट्रेड करना है, अगर एक व्यू रॉन्ग गया मेन व्यू, तो अल्टरनेट वेव काउंट को कैसे ट्रेड करना है, ये सब चीजें आपको बुक नहीं बताएगा। ये तो ट्रेडिंग सिस्टम आपको खुद से बनाना पड़ेगा, अपने आपसे एक्सपीरियंस करके, पढ़ पढ़ के, ट्रायल एंड एरर से, लॉसेस कर करके, जैसे मैंने किया, या फिर आपको किसी से सीखना है, जैसे हम दे रहे हैं 1299 में इलेट वेव का कोर्स है, जिसमें सिर्फ इलेट वेव सिखाता हूँ मैं।
रिलेटिव वेव का कंप्लीट कोर्स है, हाउ टू ट्रेड, स्टॉप लॉस एंट्री, सब चीज है इसमें, राइट। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो 786 में आपको प्राइस एक्शन, दीज आर रिकॉर्डेड कोर्सेस, तो इसलिए मैंने उसका प्राइस बहुत कम रखा है। जिसमें आप कभी भी देख सकते हो, दोनों अगर सीखना है तो यू कैन लर्न एट 1699 रिलेटिव एंड प्राइस एक्शन, जो आपको दोनों पूरा कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज, मींस इलेट वेव प्राइस एक्शन दोनों कंप्लीट टेक्निकल है, इसका नॉलेज आपको 1699 में मिल रहा है। एंड आई हैव केप्ड द प्राइस लो बिकॉज़ एक रिकॉर्डेड कोर्स है, यू कैन वॉच एनी टाइम। मेरा उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट, आई मीन वन टाइम, इसमें मैं रिवीजन तो करते ही रहता हूँ डेफिनेटली, इसमें नए नए वीडियोज ऐड करता हूँ मैं। तो आप अभी लोगे तो बाद में जो भी स्टूडेंट आएंगे, बाद में जो भी वीडियोस आएंगे वो एडिशन आपको अभी भी मिलेगा, लेकिन बाद में प्राइस बढ़ेगा। मेंटरशिप बैच में मैं खुद लाइव सिखाता हूँ, मीन जिसमें भी मैं ही हूँ, बट इज रिकॉर्डेड इंग्लिश, और मेंटरशिप विल बी लाइव, जहाँ पे मैं आपको लाइव सिखाऊंगा और आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने का मौका मिलेगा, राइट। सो यू कैन ज्वाइन मेंटरशिप बैच, नेक्स्ट वीक से चालू होगा, अप्रैल का अभी, सो 2 दिन है आपको अभी भी अप्रैल के बैच में ज्वाइन करने के लिए, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन मई बैच। ओके, सो लेट्स सी निफ्टी क्या लगता है। तो मेरा तो व्यू है कि फोर्थ वेव का करेक्शन आएगा, जिगजैग आएगा। जिगजैग क्यों आएगा, क्योंकि ये डब्ल्यू एक्स वाई, ओके ओके, दिस वाज डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन, यहाँ पे देखो डब्ल्यू एक्स वाई, दिस वाज वेव टू का जो करेक्शन आया, ये वाला, यहाँ से दैट वाज अ डब्ल्यू एक्स वाई शैलो करेक्शन था, दैट वाज नॉट डीप। सो ये डब्ल्यू एक्स वाई था, तो एज अ गाइडलाइन ऑफ अल्टरनेशन ये जिगजैग करेक्शन आना चाहिए फोर्थ वेव में, राइट, बिकॉज दिस इज डब्ल्यू एक्स वाई शैलो, दिस शुड बी फास्ट डीप करेक्शन इन, एंड दिस शुड बी जिगजैग। तो एबीसी करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग जिगजैग लाइक दिस, ए बी एंड सी, बहुत फास्ट आएगा, बहुत डीप आएगा, राइट, एंड देन मार्केट विल कंटिन्यू हायर इन फिफ्थ वेव। सो लेट्स गो ऑन इंट्राडे चार्ट, पहले वीकली भी दिखा देता हूँ आपको, मेन तो मजा वीकली पे है, ये वीक में कैसा उल्लू बनाया। सो दिखा दिया कि हाँ ब्रेकआउट दे दिया वीकली पे 5:30 के ऊपर, ऐसे दिखा दिया, बट बाद में क्लोज आ गया 519 ऑलमोस्ट वीकली 2 के आसपास, और कैंडल देखो वीकली की क्या बनी है, और आरएसआई पे वीकली डाइवर्जेंस तो है, मोमेंटम पेड हो रहा है आरएसआई पे। सो आई एम वेरी मच कन्विंस कि टॉप हो गया है मार्केट का, और इट शुड करेक्ट इन वेव 4। अभी इंट्राडे पे आते, तो इंट्राडे पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो इंट्राडे पे दिस इज तो ए वेव चल रहा है ना, राइट, एबीसी करेक्शन आएगा तो ए वेव कहाँ तक जाएगा, ए वेव मुझे दिख रहा है कि 21,700 तक वेव ए जाएगा, उसके बाद बी का बाउंस आएगा, तो विद इन ए वेव हमने 1 और 2 कंप्लीट किया है, यस। तो ये फर्स्ट हुआ यहाँ पे एज अ लीडिंग डायगोनल, देन सेकेंड, अभी थर्ड आएगा, और देखो मैंने एक ट्वीट किया था कि व्हेन फर्स्ट वेव इज लीडिंग डायगोनल, थर्ड इज एक्सटेंडेड, तो थर्ड एक्सटेंशन आएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन ऑलरेडी आया है हेड एंड शोल्डर्स का, मैंने ये चार्ट डाला था लाइव मार्केट में, डाला था हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया है, सो डेफिनेटली कोई भी अगर पुल बैक आती है यहाँ पे विद इन दिस एक्सटेंडेड थर्ड, दैट विल गेट रेजिस्टेंस नियर 21,600, 22,620 के आसपास रेजिस्टेंस उसको मिल जाएगा, राइट। सो ऑन डाउन साइड आई थिंक इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में आई थिंक 22,100 या 22,080 तक आ सकता है मैक्स नेक्स्ट वीक, एंड देन मे बी 21,700 इन नेक्स्ट बाय द मंथ एंड, दैट इज माई व्यू। मंथ एंड से पहले ही शायद आ सकता है, नॉट मंथ एंड, मंथ से पहले ही 21,700 आएगा नेक्स्ट वीक, आई मीन सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, एंड देन मे बी वी बी पुल बैक, और देन उसके बाद 21,100 के आसपास मई में जाएगा, दैट इज माई करंट व्यू। ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे मार्केट कैसे अनफोल्ड होता है, बट दिस इज एज ऑफ नाउ दिस इज माई व्यू, एंड वी विल सी। बैंक निफ्टी अगेन, बैंक निफ्टी में देखो ये डेली कैंडल क्या बनी है, देखो ये बना है इवनिंग स्टार, दिस इज अ नॉर्मल इलेट व्यू बाजू में रखते हैं फिलहाल, तो ये इवनिंग स्टार कैंडल बना,
इवनिंग स्टार बन के यहाँ पे रिवर्सल भी आ गया। आई यस सो दिस इज अ थ्री कैंडल बैटर। सो और वीकली पे वी बैंक निफ्टी पे कैंडल पे देखो क्या बना है। दो जी बना है वीकली पे शूटिंग ग्रेवस्टोन राइट। तो ग्रेवस्टोन दो जी बोलो या शूटिंग स्टार जो भी बोलो आप। सो दिस इज क्लियरली बेरिश पैटर्न। उसका अभी रिवर्सल नेक्स्ट वीक मंडे दिखेगा हमें, और जो फ्राइडे होता है वो मंडे वापस कंटिन्यू होता है। सबको पता है जो मार्केट में सालों से है राइट। फ्राइडे का एक्शन वापस मंडे को रिपीट होता है, तो आज डाउन गया तो फ्राइडे मंडे को भी डाउन ही जाना चाहिए आइडियली राइट। दैट इज व्हाट मार्केट डज। और जैसे कल मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है बैंक निफ्टी, और ब्रेकआउट के बाद क्या स्लो स्लो चल रहा है बस। तो ये ब्रेकआउट फेल जाएगा अगर वीकली इसके नीचे खुलता है। ऑलरेडी ब्रेकआउट पे ही बंद हुआ है फेल होके। सेम विद फिन निफ्टी। फिन निफ्टी अगेन फिन निफ्टी का भी ब्रेकआउट फेलिंग फेलियर ही दिख रहा है, नीचे क्लोज हुआ है ब्रेकआउट के। और देखो रिवर्सल कैंडल बनी है फिन निफ्टी पे भी। आइलैंड रिवर्सल बना है यहाँ पे देखो। दिस इज आइलैंड रिवर्सल गैप डाउन हुआ है फिन निफ्टी। सो दिस इज द गैप एंड आइलैंड रिवर्सल। सो बैंक निफ्टी पे ओके। बैंक निफ्टी पे वेव काउंट्स क्या है? बैंक निफ्टी पे वेव काउंट जो अपना डायगनल था, सो डायगनल के बाद दिस इज वेव ए, दिस इज बी और सी वेव नीचे आएगा। सो इज दिस अ एक्सपांडेड फ्लैट? नहीं, मैं एक्सपांडेड फ्लैट नहीं, इसको मैं रनिंग फ्लैट ऑफ या फिर डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन लूंगा। आइदर दिस इज ए बी एंड सी शुड कम अ फास्ट करेक्शन, बट इट विल बी रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट यानी वेव सी में आपको 100% इक्वालिटी मिलेगी कंपेयर टू ए। एक्सपांडेड फ्लैट में क्या होता है? एक्सपांडेड फ्लैट में 1.382 जाता है, 1.618 जाता है। सो मींस बहुत ज्यादा डाउन साइड, तो उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 100% तक जा सकता है और रनिंग फ्लैट। और मे बी डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन तो 70% तक जा सकता है, 60-70% राइट। सेम विद फिन निफ्टी, आइदर इट्स अ रनिंग फ्लैट और डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, और आइडियली वापस ये लो रिटेस्ट करने आना चाहिए 19,000 एंड 20,000 के आसपास फिन निफ्टी। दैट्स माई व्यू। आईटी अभी भी वीक है। आईटी का मैंने एक बार व्यू दिया था यहाँ पे कि लग रहा है आईटी स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, बट आईटी वीक ही है। मेरा व्यू मैंने चेंज कर दिया। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि आईटी यहाँ से ऊपर जाने की चांसेस कुछ दिखा रहा है, जब तक के मूविंग एवरेज के ऊपर ना जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन इतना बुलिश आया ही नहीं है आईटी पे। तो जब तक प्राइस एक्शन बुलिश नहीं आएगा, मैं बुलिश व्यू नहीं बना। कंफर्मेशन आना इम्पोर्टेंट है। सो आई विल वेट। जहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, प्राइस एक्शन बुलिश नहीं है आईटी का, तो बेरिश दिख रहा है। सो आई एम कॉशियस। ओके तो बाकी के सेक्टर देखते हैं। तो ये पीएसयू बैंक फिफ्थ वेव हुआ है इसका, फिफ्थ अंडर थर्ड। सो आइडियली इट्स कंप्लीटिंग वेव थ्री और फिर वेव फोर का चौक आएगा। जोर से पता ही नहीं चलेगा कैसे गिर गए, बट ये होगा, ये होगा, होगा जरूर होगा। फोर्थ वेव करेक्शन आएगा एंड दिस इज गोइंग टू शॉक पीपल। बहुत जोर से करेक्शन फास्ट आएगी। सेम विथ मिड कैप। मिड कैप में करेक्शन आएगा जोर से। स्मॉल कैप में इट विल बी या वेरी डेडली सीन। तो सबसे ज्यादा मैं बेरिश हूँ पीएसई पे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये जो पीएसई स्टॉक है, पीएसई स्टॉक, इसमें मैं सबसे ज्यादा बेरिश हूँ। मंथली के 90 पे आरएसआई पे चला रहे हो, बस मंथली पे 91 आरएसआई पे चला रहे हो, इसको और कितना भगाओगे? सो पीएसयू स्टॉक तो 33% डिपेंडिंग स्टॉक पे से तो जैसे कि एचपीसी है, एनएचपीसी है, दे कैन क्रैक बैड डील। आई मीन एनएचपीसी थोड़ा ऑलरेडी हुआ है, बट एनटीपीसी हुआ नहीं है, तो वो तो 30% होना चाहिए क्रैक। पीएसयू इंडेक्स ही 15 से 20% तक क्रैश हो सकता है। या 2,000 पॉइंट क्रैश इन पीएसयू इंडेक्स। अभी 10,000 के आसपास, 9,500 है राइट। 2,000 पॉइंट क्रैश तो 7,500, 7,450 के आसपास आई एम लुकिंग। फोर्थ वेव करेक्शन आएगा, इसमें डिप आएगा एंड इट विल बी वेरी फास्ट। दैट्स माय व्यू। स्मॉल कैप मिड कैप अगेन करेक्शन इज ड्यू।
डोंट बी कॉम्प्लेसेंट ओवर हियर, राइट? कंप्लीट हो रहा है स्मॉल एंड मिड कैप में, पीएसयू बैंक्स में, एंड सो ऑन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा बेरिश में किस पे हूँ, तो पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उसके बाद पीएसयू बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ऑन अ सेम लेवल, मीन्स मिड कैप, स्मॉल कैप और पीएसयू बैंक सम वॉट सेम लेवल आई एम बेरिश। सबसे ज्यादा बेरिश में पीएसई पे हूँ, एंड देन उसके बाद रियल्टी, इंफ्रा कम्स नेक्स्ट, इसमें भी करेक्शन आना चाहिए, एंड ऑटो, ऑफकोर्स ऑटो भी ओवर बॉट है। हमने ऑटो में, ऑटो इंडेक्स में हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मार्च 2022 में, 13 मार्च को मैंने ऑटो इंडेक्स का बाय अपॉर्चुनिटी बोला था कि भाई सेकेंड वेव करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, फ्लैट करेक्शन, दिस वॉज अ फ्लैट करेक्शन। ये देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, देखो ए बी एंड सी, दिस वॉज अ फ्लैट करेक्शन कंप्लीटिंग इन ऑटो इंडेक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आई आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी ऑन 13, मीन्स 13 को मैंने चार्ट देखा था ऑटो इंडेक्स का कि क्या लग रहा है, तो सर ये चार्ट देख के मुझे समझा कि ये वेव टू कंप्लीट हो रहा है एंड थर्ड वेव आना चाहिए। 26,000 का प्रोजेक्शन मैंने दिया था, यू कैन सी माई ट्विटर, ट्विटर पे मैंने अभी रिसेंटली वापस पोस्ट किया था, यू कैन सी मीडिया में दिखेगा ट्विटर के ऑटो का जो मैंने बाय दिया। सो सी आइडियली ये एक्चुअली जो मैंने चार्ट पोस्ट किया है वो गलत है, ये 2023 का मैंने पोस्ट किया लिखा है, बट आइडियली मेरा बाइंग मैंने दिया था 2022 में, राइट? 2022 मार्च 2022 वी बॉट, वी गेव अ बाय कॉल ऑन दिस ऑटो इंडेक्स, लेट्स तो लेट्स फॉरगेट फॉरगेट दैट, विल कम टू अभी क्या हमने बोला, मैंने बोला था ये सब जाने दो। तो यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी थी, अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का करेक्शन, फ्रॉम 22,000 अराउंड 20,000 तक करेक्शन आना चाहिए। वेव फोर में आए, ये ट्रेंड चैनल टेस्ट करने आना चाहिए, फास्ट आएगा ये, राइट? सो अराउंड 10% करेक्शन इन दिस इंडेक्स शुड कम, सो स्टॉक्स में 15-20% आ सकता है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी, यस, बैंक्स और निफ्टी के जो स्टॉक है, थोड़ा केयरफुल रहो, स्टॉक वाइज कुछ भी करेक्शन आ सकता है। मेटल्स में अगेन, मेटल में भी मैं अभी कुछ बेच तो नहीं रहा फिलहाल, मैंने स्टॉप लॉस पे रख दिया है पार्ट ऑफ द पोजीशन, बिकॉज ऑन लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बुलिश ऑन मेटल, बट शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन मे बी रिटेस्ट को आ सकता है यहाँ पे और वॉट एवर, शॉर्ट टर्म करेक्शन लुक्स ड्यू इन मेटल, सो मे बी मेटल में ज्यादा करेक्शन आए भी नहीं, शायद यहाँ तक ही आए, यहाँ पे ये रिटेस्ट करके ऊपर भाग जाए मेटल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? आई डोंट नो, सो वी विल वेट एंड वॉच। मेटल पे इतना बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूं मैं, तो सेल पे भी वही शायद ये रिटेस्ट करने या फिर ये रिटेस्ट करने आ जाए, वी विल सी। तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, 13-डे मूविंग एवरेज, दैट इज माई स्टॉप लॉस, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा मैं नहीं बेचूंगा। वीडीएल तो डेफिनेटली नहीं बेचूंगा, वीडीएल तो ऊपर ही है, ये तो 13-डे मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, तो ये नहीं गिरेगा, ये बंदा नहीं गिरने वाला, निफ्टी किधर भी जाए ये नहीं गिर रहा, ये नहीं बेचना है, इसको मत बेचो, ये नहीं गिरेगा ज्यादा, राइट? तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, हिंदुस्तान कॉपर माइट कम डाउन, राइट? हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ा करेक्शन वापस आ सकता, सॉरी दिस इज हिंदुस्तान हिंडाल्को, हिंडाल्को में भी इट कैन टेस्ट लोअर, हिंदुस्तान कॉपर में मे बी ये रिटेस्ट करने, ये जो ब्रेकआउट है ये रिटेस्ट करने आ जाए, सो आई विल वेट एंड वॉच, ये को ये वन ज्यादा नहीं करेक्शन दिखता मुझे, निफ्टी में आएगा करेक्शन लेकिन बहुत
बेकार करेक्शन रहेगा। स्टाफ वैसे भी करेक्शन रहेगा। यूएसडी आईएनआर में देखो लग रहा है ऊपर की वेव बाकी है, फिफ्थ वेव में चल रहा है एंड सम वेव ऑन हायर साइड इज स्टिल पेंडिंग। तो मे बी गोरिल्लॉक अभी तो खरीद रहे दिख रहा है, अभी पता नहीं कितना बेचेंगे करने, फर्क नहीं पड़ता गोरो से अपने ना। इंडिया का एसआईपी इतना है उनको बेचना है कितना भी बेचने दो, बट रुपी थोड़ा वीक हो सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे वापस एक बार 83.80 84 तक जा सकता है। सेम विद डीएक्सवाई तो प्रेशर आएगा। मीन डीएक्सवाई में देखो फुल बैक रैली आ रही है, सो व्हाट इज माय व्यू, सो दिस इज वन। और आइडियली पहले मैंने यहाँ पे सेकेंड वेव कंक्लूड किया था, बट आई थिंक वी आर स्टिल इन वेव टू एंड दिस इज गोइंग एज ए बी एंड सी ऑन हायर साइड। तो वापस 107 तक आ सकता है, 107.5 मे बी लिटिल मोर देन दैट इट कैन गो, बट इट्स जस्ट अ रिट्रेस, इट इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट एंड नॉट इट्स नॉट अ न्यू फ्रेश इंपल्स रैली। ये जो टॉप हुआ है ना 115 का 115, वो वापस दिखने ही नहीं वाला, वापस वो नहीं दिखेगा वापस, बट शॉर्ट टर्म में आएगा पुल बैक, सो बी केयरफुल। सो निफ्टी आई एम बेरिश ओवरऑल, मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू पीएसई आई एम वेरी बेरिश, ऑटो इंफ्रा रियल्टी माइडली बेरिश एंड लेट्स सी। तो कोई सेक्टर तो है नहीं बुलिश, एक एफएमसीजी छोड़ के इसमें मैंने आईटीसी डिस्कस किया था, डाबर अभी भी इतना नहीं चल रहा, और मेटल पे अभी भी मैं बेरिश नहीं हूँ। आई विल वेट के थोड़ा सा पुल बैक मोड में आ जाए तो ही मैं प्रॉफिट बुकिंग की सोचूंगा, बट नॉट टिल देयर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। आई होप आपको वीडियोस में लर्निंग मिल रही है और आपको अच्छा ही लग रहा है वीडियोस, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपको सीखना है इंडियन वे तो यू कैन लर्न एट वंस। कीप लविंग कीप शेयरिंग कीप लर्निंग कीप अर्निंग विद अस। दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।